हम कक्षा पांचवी का विषय हिंदी का घटक पद्य पाठ और यह कविता है 11 क्रमांक। इस कविता में वीरों को प्रणाम कहा गया है। वीरों को प्रणाम मतलब कौन से वीर? जो वीर हमारे देश के लिए लड़े हैं और जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे वीरों को प्रणाम। इसके लेखक है रमेश दीक्षित। इस पद्य में कुछ नए शब्दार्थ आए हैं जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिए हैं, आपको पढ़ते समय बताऊं। कुछ समानार्थी शब्द आपको लिखना है, नदियों के नाम लिखना है, देशभक्तों के नाम लिखना है और इधर प्रश्न दिए वो बाद में बताऊं। सर्वप्रथम हम यह कविता सुर और ताल में कैसे पढ़ी जाती है यह मैं बताऊंगी। आपको जिस तरह से भी पढ़ना है पढ़ सकते हो, लेकिन एक शर्त है, यह कविता सभी की पाठ होनी चाहिए। जब हमारी मौखिक परीक्षा होती है मार्च में होगी, फरवरी मार्च में, तब सभी का पाठांतर लिया जाएगा, उसे मार्क है 5 मार्क, ठीक है। अब मैं पढ़कर बताती हूँ, थोड़ा सा पद्य फिर आशय बताऊ। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हर दम धुन सी रहती, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा, ठीक है। आगे क्या पढ़ लेना, तो इसमें लेखक दीक्षित जी ने बताया है कि ऐसे वीरों को हम सौ सौ बार लाखों बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारी देश की मिट्टी के कणकण के लिए अपना प्राण दिया है, अपने प्राण न्योछावर किए हैं। न्योछावर करना है ना, बलिदान देना, त्याग देना, मरना, ये सारे उसके अर्थ है। यह ऐसी धरती है, यह मतलब कौन सी? हमारा पूरा भारत देश, हिमालय से लेकर तो दक्षिण में हमारा देश, कहां तक है? हिंद महासागर तक, और इधर गुजरात कच्छ से लेकर तो इधर बंगाल की तरफ से, बंगाल की खाड़ी तक, ये पूरा भारत देश, इसकी धरती कैसी है? यहाँ पर पवित्र नदियां बहती है। आपको पता है, भूगोल में मैं पढ़ाती हूँ हमेशा, कि हमारे जो हाथों की उंगलियां है ये क्या है? नदियां है, और इन नदियों के नाम हमें आने चाहिए, और ये छोटे छोटे ये उप नदियां है। अब नासिक जिले में गोदावरी नदी है, गंगा, यमुना है ना, भीमा, ऐसी कई पवित्र नदियां है, ये नदियां हमारे भारत देश में बहती है। देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती, हमारे सैनिकों के मन में कौन सी लगन होती है कि जब भी कोई युद्ध हो, जब भी कोई परकीय सत्ता, परकीय देश हमारे ऊपर आक्रमण करे, हम उस पर मर मिटे। हाल ही में पिछले सप्ताह में एक दुखद घटना घटी है। एक नौजवान 20-22 वर्ष का, जिसकी शादी हुई थी या नहीं पता नहीं, पर बहुत ही नव युवक था, और उसने देश में उस पर हल्ला हुआ और उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, ऐसे वीर जब अपना बलिदान देते हैं तब हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है तो हमारे भारत माता के देश की गौरव है, और इसकी बलिदान की वजह से ही हमारे हिंद वतन का, हमारे हिंदुस्तान का तारा गगन में, आसमान में चमकता है और सारे देशों में, सारे विश्व में नाम कमाता है, प्रसिद्धि पाता है, गौरवान्वित होता है। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में,
सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देखिए लेखक कहते हैं इस दो ही लाइन में, हमारा वीर पुरुषों का रक्त उनका खून कैसा खौलता है। देखिए वह कैसे कहते हैं कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है, आपको पता है भारत कब स्वतंत्र हुआ? हाँ 15 अगस्त 1947 को। ये आजादी हमें भीख में दी क्या, जैसे भिखारी को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी डालते, वैसी नहीं। हमें यह आजादी लड़कर मिली है, हमारे देश के कई नौजवानों ने, कई लोगों ने, कई नेताओं ने अपना घर संसार छोड़कर इस देश के लिए लड़े हैं। कोई सत्याग्रही बने, कोई भूमिगत बने, कोई सैनिक बने, किसी ने अहिंसावादी बनकर, गांधी जी की, महात्मा गांधी जी का साथ देकर अहिंसावादी बनकर इस देश को संभाला है और इस देश को आजादी दिलाकर दी है, प्राप्त हुई है। आजादी मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना। हमारे देश में होकर हम ही परतंत्र की तरह रहे, ये कहाँ का न्याय है? हमें स्वतंत्रता चाहिए भाई, हमें वो भी किसी मर्यादा के अंदर रहकर, लेकिन हमारे देश पर हमारा ही राज होना चाहिए। देश का मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इस बात को हमें हमेशा अपने सर आंखों पर रखना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कई ऐसे वीरों ने, भगत सिंह, राजगुरु जैसे वीरों ने अपने युवा काल में ही फांसी की शिक्षा उत्तीर्ण, और ऐसे भी कई पिक्चर बनी है आप देख सकते हो कि उसमें इन देशभक्तों ने क्या क्या त्याग किया है। अभी समय नहीं है, लेकिन आप इनकी किताबें पढ़ सकते हो, इनकी फिल्म देख सकते हो, सीरियल देख सकते हो, झांसी की रानी वगैरह, तो उसमें हमें पता चलता है कि इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या क्या त्याग किया और हम हमारे देश को किस तरह से स्वतंत्र किया। हमारा देश स्वतंत्र है, इसमें हम खुश है, हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि ये वीर सैनिक वहां देश की सीमा पर रात भर जग कर पहारा करते हैं, अपनी नींद खोते हैं, अपना चैन खोते हैं, अपना सुख सुविधा सभी खो देते हैं। हमें थोड़ी सी ठंडी लगी तो हम स्वेटर मफलर सब पहनकर घर में बैठते हैं, लेकिन ये बर्फीली पहाड़ियों पर आज भी डटे हुए हैं, आज भी आंखों में तेल डालकर निगरानी कर रहे हैं देश की। इन वीरों को हमारा सौ सौ बार प्रणाम है और इनके प्रति हमारे मन में हमेशा आदर रहना चाहिए। धन्यवाद।